लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मजदूरों का दर्द समझते हुए प्रधानमंत्री से मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी, जो अब शुरू हो चुकी है। आज की स्थिति में 10,000 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं, ये फैसिलिटी हमारे डिपार्टमेंट ने डेवलप किए। मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप करें, और उनका जो डायरेक्शन है कि हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी हो, हमारा विभाग इस पर काम कर रहा है और आने वाले समय में हर जिला मुख्यालय पर कोविड की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर पाएंगे। जो 2 मार्च को स्थिति थी, हम एक भी टेस्ट करने की स्थिति में नहीं थे, आज 2 मार्च से लेके 2 मई आया है, हमने 10,000 टेस्ट राजस्थान में पर डे करने की कैपेसिटी डेवलप की है। ये हमारे विभाग के लोगों की मेहनत का नतीजा है और मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति है और उनके निर्देश हैं, उसी के अनुपालन में राजस्थान आज तैयार है कोविड से लड़ने के लिए। जितने ज्यादा टेस्ट होंगे, उतने ज्यादा हम असलियत के बारे में जान पाएंगे। पॉजिटिव केसेस चाहे ज्यादा हो जाएं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमें असलियत का पता तो चलेगा, ताकि हम समय रहते लोगों को क्वारंटाइन में रख सकें और संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो, और 1,08,000 से ज्यादा हम सैंपल ले चुके हैं अब तक। तो राजस्थान चुनिंदा 1-2 राज्यों में है जहां टेस्टिंग की बात हो, चाहे सैंपल लेने की बात हो, और पॉजिटिव से नेगेटिव होने का परसेंटेज भी हमारा जबरदस्त है। 1116 लोग हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हैं, उनमें से 714 लोगों को हमने घर भी भेज दिया।